नमस्कार, आप भी इसी तरह के से आसान तरीके से वेडिंग इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, वो भी इंग्लिश में। इस फाइल का डिस्क्रिप्शन में मैंने फाइल दिया है, उसका पासवर्ड वीडियो में दिया है, तो वीडियो पूरा देखे और समझ ले। तो पहले आपको पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद आपको ये तीन डॉट पे क्लिक करके डायरेक्ट अपन ओपन डॉट पी एल पी फाइल पे क्लिक करके जो कि आपने एक्सट्रैक्ट किया है वो लोकेशन सिलेक्ट कीजिए। आपको इस तरह से कुछ दिखेगा, उसका नाम है रहेगा इंग्लिश इनविटेशन वन, इंग्लिश इनविटेशन वन डॉट पी एल पी, उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ओपन एंड ऐड ओके बोले, बैक साइड में आपका प्रोजेक्ट आया होगा। ये ऐसा सिंपल सा एक प्रोजेक्ट इनविटेशन बनाया है। आपको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ जो आपको चेंजेस करने हैं वो नेम के चेंजेस करने हैं। वो नेम के चेंजेस करने के लिए उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ए पे क्लिक कीजिए और एडिट कीजिए। जो आपका नाम रहेगा वो आप यहाँ से बैक करके इधर एडिट कर सकते हो। अभी ये मैंने नाम चेंज किया तो ऐसा आप ए फॉन्ट ऑलरेडी है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसे इसी तरह से सब आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको सिर्फ एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हो। और ये टेट है और ये वेन्यू वाले तो जगह इधर दिया है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगा आप दूसरा बैकग्राउंड भी इसमें डाल सकते हैं। इसके लिए ये तीन ऑप्शन पे टैप करके यूज इमेज फ्रॉम गैलरी करेंगे तो इमेजेस पे जाएंगे। जो अपने इमेजेस अच्छे अच्छे से सिलेक्ट किए हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभी इमेजेस सिलेक्ट किया तो इसको मैं यहाँ रखूँगा। तो सिंपली अगर ये नीचे ऊपर होता है तो आप इसको हिला सकते हैं इसे ईव। अभी ये मैं सब ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो इसी तरह से आप इसको एडजस्ट करके नया नया तरीके से आप इमेजेस डाल सकते हो। एकदम हो गया, अभी बीच में आ गया। अब इसी तरह से और बैकग्राउंड्स चेंज कर सकते हो। और इसको सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके सेव बटन पे सेव एज इमेज पे जाके कस्टम पर क्लिक करके अल्ट्रा में आप सेव टू गैलरी कर सकते हो। सेव टू गैलरी हो गया।